वेलकम फ्रेंड, हिंदी टेक हेल्प फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास मंत्रा MFS 100 डिवाइस है या मंत्रा की कोई भी डिवाइस है और अगर वो वारंटी पीरियड पे ख़राब हो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे कैसे सर्विस कराएंगे, आप उसे कैसे ठीक करा सकते हैं, कंपनी से कैसे वारंटी कवर करा सकते हैं उसकी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चलना है गूगल पे। हम यहाँ पर देखिए गूगल पे आ गए, यहाँ पे आपको लिखना है मंत्रा RMA। मंत्रा RMA जैसे ही आप टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे RMA रिक्वेस्ट सर्वी को आ रहा है, यहाँ पे इसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक पेज खुलकर आ गया है, यहाँ पे मंत्रा सर्वी को जो कि इसे सर्विस या वारंटी डिपार्टमेंट को देखती है वहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरा का पूरा RMA रिक्वेस्ट खुल गया। तो ये जो है हमको यहाँ पे पूरा भरना है और इसको भरने के बाद हमें अपने डिवाइस सेलेक्ट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे करना है। तो आपकी कौन सी डिवाइस है आप वो देख लें, मंत्रा MFS 100 है या मंत्रा आयरिस स्कैनर है या बायोमेट्रिक है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, या कोई ऐसे सीरीज है तो उससे भी आप वारंटी कवर करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, आप भी अपना मोबाइल नंबर डाल दें। और देखिए जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे मैंने अपना सारा मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे पहले से सारा फीड हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी ये सर्विस वारंटी करा चुका हूँ इसलिए। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल दें, कंपनी नेम में अगर आपका कोई कंपनी नेम हो तो वो डाल दें, वरना आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जो आपका नाम है वो आप डाल दें, अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दें, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर दें अपना इंडिया और साथ में यहाँ पे आप स्टेट सिलेक्ट कर लें मध्य प्रदेश। उसके बाद अपना सिटी सिलेक्ट कर लें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है और यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस डालना है जो आपका पोस्टल एड्रेस है। तो ये डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक OTP सेंड करेगा, OTP सेंड करके वेरीफाई करता है, इसलिए वो आप कर लें क्योंकि मैंने पहले भी ये कर चुका है इसलिए ये नहीं आ रहा मेरे सामने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एसेसरीज है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, आयरिस सेंसर है और MFS 100 है। तो अगर बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा की तो वो भी अब यहाँ से वारंटी कवर करा सकते हैं, आयरिस स्कैनर है तो उसके लिए भी, और यहाँ पे मैं अभी MFS 100 के लिए कर रहा हूँ तो MFS 100 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए MFS 100 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ऐड पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, हमारा मंत्रा MFS 100 है तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एंटर सीरियल नंबर मांग रहा है, तो एंटर सीरियल नंबर क्या डालना है आपको, जो आपके डिवाइस के पीछे जो सीरियल नंबर रहता है मंत्रा का आपको वो डालना है। तो आप अपने डिवाइस के पीछे देखिए वहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 अंकों का एक सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आप फिट कर दें। और उसके बाद आपके मंत्रा डिवाइस पर क्या इश्यू आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर लें कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड विद कंप्यूटर, सेंसर इशू या फिंगर क्वालिटी लो, सीरियल नंबर करप्टेड, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो उस पर आते हैं। तो आपके साथ क्या इशू है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरी डिवाइस जो है पावर ही नहीं आ रहा है डिवाइस पे,
तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉट कनेक्टेड या इश्यू, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख देना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नो पावर डिवाइस, और यहाँ से आपको ऐड कर देना, जो भी आपका हो वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज आउट ऑफ वारंटी, चार्जेस एप्लीकेबल, वर्थ रेट 125 एक्सक्लूडिंग टैक्स, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपकी ये डिवाइस वारंटी पीरियड पे है तो ये वारंटी कवर करेगा, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लेगा। लेकिन अगर ये वारंटी के बाहर है तो आपको जो भी इसमें चार्जेस मेंशन करेगा, शो करेगा, फिर वो बाद में आपको मेल करेगा पे करने के लिए, आप उसे पे कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि वारंटी से बाहर है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। मामूली सा खर्च आता है, ज़्यादा खर्च नहीं है इस डिवाइस को रिपेयर कराने का, तो आपके पास अगर है तो आप जरूरी ज़रूर से ये करा सकते हैं। अच्छी बात यही है कि ये वारंटी पर कवर तो करता है, लेकिन वारंटी के बाद भी ये आपको बना कर दे देता है। तो अब दूसरा स्टेप उनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक सैंपल सीट डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। आपको सैंपल सीट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सैंपल सीट डाउनलोड हो गया। आप इसको यहाँ से ओपन कर लिए, और ओपन करने के बाद देखिए एक एक्सेल की सैंपल सीट खुल जाती है जिसमें उन्हीं की तरफ से एक प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मंत्रा MFS 100, हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा है डिवाइस सीरियल नंबर, तो डिवाइस सीरियल नंबर क्या था आपका, वो डिवाइस सीरियल नंबर यहाँ पे आप डिवाइस के पीछे देख के जो भी हमने फिल किया था वो आप डाल लें, 08017111। प्रॉब्लम टाइप, प्रॉब्लम टाइप में यहाँ से फिर से सिलेक्ट करने के लिए आ रहा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं मंत्रा में FSC या डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में पूछ रहा है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख दें जो आपको लिखना है, नो पावर डिवाइस हमारे डिवाइस पे पावर नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब आप इसको क्या करना है, आप इसको सेव करना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस एस हमने सेव कर दिया, या आप इसे यहाँ से सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख ले। देखिए ये है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर लें, ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ से आप कट कर दे से, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अपलोड डेटा फ्रॉम एक्सेल, तो आपको यहाँ से अपलोड करना है, चूज फाइल करना है, और जो डेटा एक्सेल वाली हमने डाउनलोड करके रखा है जिसमें फिल किया है वो हम वहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट कर देना है। देखिए इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया अपलोडेड रिकॉर्ड टोटल 1 सक्सेसफुली 1 फेल्ड 0। तो ये देखिए यहाँ पे आपके डिवाइस जो है वो सारा अपलोड हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल हो गई। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कहाँ हमें भेजना है, तो यहाँ पे एक ही एड्रेस है HO अहमदाबाद, ये वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सर्विस है, तो हम वहीं के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड कर देना है 3854 5। मैंने डाल दिया कैप्चा कोड, यहाँ से आपको सेव रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे एक बिल जनरेट हो जाता है कि कैसे MFS 100 की तरफ से कि सारा डेटा, एड्रेस, नेम, पता आपका और डिवाइस की प्रॉब्लम। तो ये एक प्रिंट आउट आपको निकालना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद इस डिवाइस को पैक करना है, और सिंपली इस पैक करके इसके ऊपर ये चिपका कर इसे भेज देना है, और कुछ नहीं करना है। ये डेटा उनके पास चला गया है, लेकिन आपको यहाँ से भेजने के लिए एक रिसीप्ट जनरेट हो गई है। आपको यहाँ से इसे डाउन प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट करके आपको उसी के ऊपर चिपकाना है और इसको वहाँ से यहाँ से भेज देना है।
और भेजने के बाद जब वो वहाँ पर सर्विस हो जाएगी, सर्विस होने के बाद आपको लास्ट टाइम पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि वारंटी पीरियड में नहीं है, तो आपको मेल आएगा, तो आप उसे पेमेंट कर दें। बहुत ही मिनिमल चार्ज होता है, तो आप ये पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद वो डिवाइस बना के आपको आपके पते पर भेज देंगे, और एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हाँ, भेजने के चार्जेस आपको थोड़ा बहुत लगेंगे, तो वो आप दे सकते हैं, को किसी भी कोरियर से भेज सकते हैं। और दूसरा, अगर ये वारंटी पीरियड पे रहेगा, सर्विस पे रहेगा, तो ये बिना किसी पैसे के आप अपने घर बैठे आसानी से करा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू।